बारे में इरिटेट ये बबली का जो कैरेक्टर है इसके लिए इसके लिए बहुत फिट है क्योंकि ये एक्चुअली चुलबुली है और मुझे कभी बहुत ज़्यादा ये जो मस्ती करते रहती है ना तो मैं एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत सीरियस हूँ तो मस्ती करना चाहिए लेकिन काम जब डिस्टर्ब होता है तो मुझे इरिटेशन होता है और कभी कभी ये अपना काम तो कर जाती है लेकिन इसके मस्ती के चक्कर में मेरा काम खराब हो जाता है तो मुझे इरिटेशन होता है। ओके, और आपको अगर कोई एक चीज़ बतानी हो गौरव के बारे में जो कोई नहीं जानता, जो आपने देखा है, महसूस किया, काफी दिनों से आप साथ में काम कर रहे हो, तो क्या कहना होगा? जो कोई नहीं जानता, हाँ, हमें जहाँ तक जानते कि मतलब एक होता है जो बहुत अंदर से जो होता है ना, बहुत स्ट्रगल करके आना या बहुत सैड वाला है, अंदर से बहुत शांत दिमाग है, तो वो मैं जानती हूँ। जो हमेशा स्माइली फेस है, क्या हमेशा स्माइल, मैंने पूछा भी क्यों इतना स्माइल करते रहते हो आप, तो नहीं, फिर पता चला, मैंने सुना कुछ इंसिडेंट्स लाइफ के, बाप रे बाप, बहुत हिले हुए इंसान है अंदर से, वो कोई नहीं जानता। क्या जी बता दीजिए, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है? ऐसा नहीं बता कुछ बातें होती है जो अपने तक ही रहे, कभी आपसे बताएंगे बैठ के, हाँ आपको बताएंगे। ओके, पहले हम भोजपुरी फिल्मों में हम देख रहे थे कि डबल मीनिंग गाने चल रहे थे, अश्लील चीज़ें चल रही थी, धीरे धीरे बड़ी कहानी चेंज हो गई। आप लोगों ने यार गाइस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ रहे हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। बस कर पनीर रुलाएगी क्या, बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, सीरियसली ऑडियंस बहुत खुश होगी। मुझे ये बताइए कि कहानी चुनते समय क्या आपके दिमाग में चलता है, किस तरह से आप चयन करते हो फिल्मों का? कहानी सुन के ऑब्वियस है, कहानी हम सुन ही सकते हैं ना चयन करने के लिए, कि हम पहले, मेरा तो ये होता है कि भाई पैसे बाद में, पहले कहानी बताइए मैं कर क्या रही हूँ आखिर, क्योंकि मैं कई बार ऐसा हो चुका है कि कहानी कुछ और, करना कुछ और, मैं दिखती कुछ और हूँ आपके स्क्रीन पे, तो जब कहानी सुनती हूँ उनकी पसंद आती है तो ऑब्वियस फटाक से, हाँ, नहीं तो फिर ना। गौरव, बहुत मुश्किल से मुश्किल तो आपको आ ही रही होगी क्योंकि सिंगरों का भोजपुरी इलाका है भाई, आप गाते नहीं हैं, आप एक्टिंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो सरल रहा मुश्किल रहा? नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि दोनों अलग अलग जॉब है, एक्टिंग हो या सिंगिंग गाना हो। और मैं इससे पहले भी बोला हूँ एक इंटरव्यू में कि वो लोग बहुत टैलेंटेड हैं जो गा भी लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिंग का इतना डेप्थ है कि आदमी सीखते ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वो कम्प्लीट एक्टर होना बहुत मुश्किल है। वैसे ही गायकी है, दोनों अलग अलग जोन का है और मैं एक ही जोन में रहना चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं उसके गहराई तक जाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक्टिंग का डेप्थ कहाँ तक है। आई एम नॉट कंप्लीट एक्टर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिंग के बलबूते पे मैं कुछ कर पाऊँ, और अगर आप 10 नाव पे पैर रखेंगे तो शायद एक चीज़ के गहराई तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, ऊपर तक ही हवा में उड़ते रहेंगे कि हम आई एम ग्रेट। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई और पहले भी मैंने इंटरव्यूज में काफ़ी सवाल पूछे ही। एक अहम सवाल कि जैसा कि आपने देखा बिहार में अभी चुनाव हुए और उसके बाद नतीजे भी आ गए, नीतीश कुमार की जो है सरकार बन रही है, सबसे पहले बताया राजनीति से कितना रुक है आपका? कहीं दूर तक कहीं नहीं ना, कहीं इतना तो पता होगा नीतीश कुमार सरकार में। नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है ना था कि बात, वो आपने पूछा कि इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली नीतीश कुमार ने जीता है वहाँ पे। मैं वही तो बोल रही थी कि बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ और वही बहुत आपके इस चैनल के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी नीतीश जी को। एंड बचपन से देखते आ रहे हैं उनको सक्सीड, उनका काम, उनकी सब चीज़ें कि क्या क्या बिहार में प्रोग्रेस करते हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और बस यही रिक्वेस्ट है कि इस बार जो चयनित हुए हैं तो बस सबके लिए और अच्छा प्रोग्रेस हो, आई होप सो। बिल्कुल, और 31 साल के तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सीटें बहुत सारी पाई, बड़ी मेहनत की है, अगर वो सीएम होते तो चेहरा क्या होता? बिल्कुल, एक युवा नेता है तेजस्वी जी, तो बिल्कुल बहुत करीब आके कम सीटों से वो नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो आई होप सो कि एक युवा नेता होने के नाते ऑब्वियस जो अभी का जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ अच्छा सोचा होगा। लालू यादव जी आपको अच्छे लगते हैं? बहुत जॉली, किसको नहीं लालू यादव अच्छे लगते हैं, मेरे तो बहुत फेवरेट है। इस बार लेकिन हमने बहुत मिस किया भाषण उनका। हाँ, मिस तो किया, बट इट्स ओके, जो होता है अच्छा होता है, आई विश। गौरव, लालू होते तो क्या तेजस्वी सीएम होते, क्या लगता है आपको? ये तो आप पब्लिक नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, हम लोग कोई नहीं होते हैं डिसीजन लेने वाले, और ये पब्लिक है कि कहते हैं पुराना डायलॉग है, सब जानती है कि उसको कब क्या बनाना है, और इतने दिन से नीतीश जी हैं सीएम, तो ये ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, तो उनको लगा, उनका काम अच्छा लगा पब्लिक को। कोशिश तो तेजस्वी जी ने भी किया लेकिन पब्लिक को कोई खरीद नहीं सकता। चलिए, आप एक कलाकार हैं, बिहार सरकार से क्या चाहते हैं? मैं बिहार सरकार से यही चाहता हूं कि जैसे यूपी सरकार फिल्म को सपोर्ट कर रही है, फिल्म उद्योग को बढ़ावा दे रही है, यहाँ के लोकल कलाकार, लोकल टेक्नीशियन, लोकल लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो ऐसे ही बिहार में फिल्म उद्योग को सपोर्ट करें और सब्सिडी दे, थिएटर को बढ़ावा दे, अच्छे थिएटर को वहाँ चालू करें। जो थिएटर की हालत ख़राब है उसको कुछ छूट दे के कुछ भी एक प्लान बनाए वो, क्योंकि ये उनका काम है, क्योंकि बहुत ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस पे थोड़ा ध्यान दें वो। बिल्कुल, आपकी भी कुछ ऐसी डिमांड है कुछ खास? बिल्कुल डिमांड है ऑब्वियस, और कुछ खास क्या हमारी, तो जैसे हम एक्टर्स हैं और करियर बार जो हमने झेला है, हम जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर काश इधर होता यूपी बिहार में ये चीज़ें 10 साल पहले होती है, 5 साल पहले कुछ और होती, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑब्वियस आप स्कोप तो बढ़ाइए ताकि हमारे कलाकारों की टैलेंट की कमी है ही नहीं बिहार में। ऑब्वियस बहुत ज़्यादा चीज़ें मानी जाती हैं, बिहार के बच्चे कितने सक्सीड हैं, नो डाउट सब जानते हैं, तो बस ये स्कोप बढ़ेगा तो और ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, टैलेंट आएगा सामने। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। गौरव और रितु, ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे और एक से एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म में भोजपुरी को देते रहे। आप बने रहे हमारे साथ। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार। भैया बोला तो हम देख लेते हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, महात्मा गांधी नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, सरदार पटेल नहीं रहे, लाला लाजपत राय नहीं रहे, देश आगे डे बाई डे तरक्की कर रहा है। ये उनकी गलतफहमी है कि इंडस्ट्री से वो हैं, उनसे इंडस्ट्री नहीं है। और बहुत हमारी माएँ हैं भारतवर्ष में, जिन्होंने ऐसे सुरंदर लाल पैदा किए, जो उनसे बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे एक्टर आगे भी आएंगे, हम ऐसी काम करेंगे। सुशांत भी बिहार यूपी की अगर बात करें, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, सुशांत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसको लेकर कुछ? सुशांत जी के साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ और वो एक बहुत ही दुखदायी क्षण था हमारे लिए भी, हम सबके लिए। जो भी काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट से भी आपको और बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कौन बात करें। हाँ, स्टोरी देखिए मैंने बताया ना, ये कॉमेडी फिल्म है और लोगों को हंसाती है पूरे उसमें, और आखिरी में एक मैसेज देकर जब बताते हैं तो मुझे बताता, ठीक है। ड्रेस कोड का क्या स्टोरी से जुड़ा हुआ है? हाँ सर, स्टोरी से जुड़ा हुआ है और शूटिंग के लिए ये यूपी के ये मुरादाबाद क्षेत्र को बंद कर दिया। चलो, बबलू सिंह बबली लखनऊ भोजपुरी घर बनता जा रहा है, समय से यहाँ पर भोजपुरी मेरा कैरेक्टर है बबलू का, नाम है बबलू सिंह बबली। इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं संजीव तिवारी जी और डायरेक्ट कर रहे हैं दीपक सिंह जी, और इन दोनों के साथ मैंने एक फिल्म की है दलदल, जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। एक एक्शन फिल्म है और बहुत ही कमाल की इन्होंने फिल्म बनाई है। दीपक सिंह जी की पहली भोजपुरी फिल्म है वो, लेकिन कोई भी देख के ये नहीं कह सकता है कि किसी डायरेक्टर की वो पहली फिल्म है। बहुत ही बढ़िया शूट, मेकिंग, लाइटिंग, एक टेक्नीशियन जैसे कॉस्ट्यूम विद्या जी ने किया है, DOP है अयूब जी, सबका काम अपना इतना बढ़िया दिख रहा है, हर एक एक्टर का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया दिख रहा है दलदल में। और वही सेम टीम को हमारे जो प्रोड्यूसर हैं संजीव तिवारी जी, सेम टीम को रिपीट कर रहे हैं बबलू सिंह बबली में। फ़र्क ये हो गया कि वो एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, ये फुल कॉमेडी फिल्म है, तो एकदम अपोजिट है। एक्टर भी ऑलमोस्ट वही है लगभग, अब सारे एक्टरों के लिए ये चैलेंजिंग है कि उसमें सबने सीरियस कैरेक्टर किया था, सब एटीट्यूड में थे, अब इसमें सब कॉमिक अंदाज में आएंगे, सेम कैरेक्टर, तो सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है और ये देखने में बहुत मज़ा आएगा कि सारे एक्टरों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बबली का किरदार निभा रहे हैं, क्या सच में बबली का कैरेक्टर है आपका इसमें? ऑब्वियसली है, और बबली का नाम मुझे मिला इंडस्ट्री में मिला है, उससे कहीं बढ़ के बबली है। तो ये जो बबलू संग बबली, आई थिंक ऑलमोस्ट चीज़ें बता दी है गौरव जी ने, तो मेरे लिए बस ये कहूँगी कि बहुत एक अच्छा मैसेज आएगा। बबली का जो कैरेक्टर है वो कॉमेडी के थ्रू ही जाएगा, एक अच्छा मैसेज, एंड होपफुली ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ कि ऑडियंस एंजॉय करने वाली है, क्योंकि एक सटायर है और इंडस्ट्री में कैसे स्ट्रगल करके एक छोटे, जैसे हम कहते हैं बिहार से लोग गए हैं, यूपी से गए हैं, पता नहीं कैसे स्ट्रगल करते हैं, वो सब जो दिखते हैं ना चकाचौंध कि अट्रैक्ट होते हैं और आ जाते हैं काम करने, और लोग आस पड़ोस के लोग कहते हैं भाई क्या कर रहे हैं, अभी तक तो टीवी में आए नहीं है, तो उस बीच की जो कहानी है, जो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं बॉम्बे जाने,